आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। एवरीवन, क्वेश्चन गिवन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी गलत है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। ये बोल रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जानते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, जो गैसेस हैं वो वापस से क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एटमॉस्फियर है, ठीक है, एटमॉस्फियर थोड़ा सा क्या रहता है, वार्म रहता है। ओके, और ये कैसा प्रोसेस है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। कैसा है, नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है यूट्रोफिकेशन इज अ नेचुरल फेनोमिनॉन इन फ्रेश वाटर बॉडीज। ओके, बात हो रही है यूट्रोफिकेशन की। अब यूट्रोफिकेशन होता है क्या है, बेसिकली अगर हम बात करें यूट्रोफिकेशन में, यानी एक रिवर बॉडी में या वाटर बॉडी में क्या हो रहा है, जो न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट है, और न्यूट्रिएंट्स में भी अगर इसकी बात करें हम, तो क्या फॉस्फेट क्या है, यूजुअली या अनयूजुअली ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो एल्गल ब्लूम है, क्या है, एल्गल ब्लूम है, वो वहाँ पर क्या होंगे, बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे। और ये कहाँ पर होता है, बेसिकली इन फ्रेश वाटर बॉडीज। कहाँ पे, फ्रेश वाटर में। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन। और ये कैसा रहता है, ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। थर्ड स्टेटमेंट गिवन है, मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट हैव बीन इन ट्रॉपिक लॉस्ट एंड ट्रॉपिकल एरियाज। यानी जो ट्रॉपिकल एरियाज है, वहाँ के जो फॉरेस्ट है, बहुत से लॉस्ट हो गए हैं। अगर ट्रॉपिकल एरिया यानी ट्रॉपिक एरिया की बात करें, तो क्या हो रहा है, ट्रॉपिकल एरिया के ऑलमोस्ट 40% ऑफ जो फॉरेस्ट हैं, कितने 40% ऑफ फॉरेस्ट वो लॉस हो चुके हैं। वहीं हम बात करें किसकी, टेम्परेट रीजन की। किसकी, टेम्परेट रीजन की। तो टेम्परेट रीजन में जो फॉरेस्ट लॉस है, दैट इज अराउंड ओनली 1%। ठीक है, लास्ट बोल रहा है ओजोन इन अपर पार्ट ऑफ एटमोसफियर इज हार्मफुल टू एनिमल्स। ठीक है, ओजोन इन अपर पार्ट, ठीक है, यानी ओजोन इन स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर में जो ओजोन होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज द गुड ओजोन। ठीक है, और उसका फंक्शन क्या होता है, हमें यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्शन देना। किससे, यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्शन देना। ठीक है, वो कौन करती है, ओजोन करती है। कौन सी, स्ट्रेटोस्फियर, एक ओजोन यानी गुड ओजोन जो अपर पार्ट में होती है। यानी यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, कौन सा, ओजोन इन अपर पार्ट ऑफ एटमोसफेयर इज हार्मफुल टू एनिमल्स। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।